नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। दूसरे अनुपूरक बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष का हमला, कहा हर सेकंड 5,000 कर्ज ले रही है सरकार। सीएम का पलटवार, किसानों के लिए लेते हैं कर्ज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंडराय स्ट्रेन में दो वायरस का खतरा, एक माह में 100 से ज्यादा लोग यूके से लौटे। एक्टिव सर्वेलांस के जरिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तैयारी। नई वैक्सीन को लेकर के वैक्सीनेशन में जुटी सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए केंद्र से मांगे 5 करोड़ डोज, 630 सेंटर तैयार। मुंगेली में कई मांगों को लेकर पंचायत सचिव लामबंद, 26 दिसंबर से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में कोरोना में फिर बढ़ा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ। प्रदेश में 1,232 नए संक्रमित, 22 लोगों की हुई मौत। क्रिसमस और नए साल का फीका रहेगा जश्न, डीजे बैंड, पार्टी में शामिल लोगों का रखना होगा रिकॉर्ड। रायपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और आपको सुनाते हैं कृषि मंत्री का क्या कुछ कहना है। वो कंधों की तलाश करते हैं और आज किसान आंदोलन के माध्यम से किसान के कंधों पर अपनी वैचारिक बंदूक चलाकर अपने स्वार्थ और हित साधन करना चाहते हैं, वे इसमें सफल नहीं होंगे। और मैं भी आपके माध्यम से ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे सामाजिक संगठनों को और ऐसे नेताओं को जिनके लिए किसान हित बहुत दूर की बात है, जब जब उनको अवसर मिला तब तब उन्होंने अपने किसान विरोधी चरित्र को ही उजागर किया है और आज किसानों के हमदर्द बनकर और उनको गुमराह करने का जो पाप कर रहे हैं उसकी सजा आने वाले कल में भारत की जनता उनको देगी। सर, प्रधानमंत्री ने आज बहुत डिटेल से समझाया कि कृषि कानून में क्या है, कैसे वो किसानों के हित में है, क्या कहेंगे आप जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों को? मैं आंदोलनकारी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, भारत सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं वह किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, किसान को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं, खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं, खेती के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं। और इसलिए उन सबको ये चाहिए कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर टेबल पर वार्ता के लिए आएं, प्रावधानों के अनुसार बातचीत करें। अगर प्रावधानों में कोई तकलीफ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार। आखिरी बात कहेंगे कि आप ममता बनर्जी से आप कहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ के किसानों के हित के लिए भी वो काम करें? मैंने कल ही पत्र भेजा है, अब दोबारा उनका पत्र आएगा तो सर, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये थे कृषि मंत्री नरेंद्र। करते हैं खबरों का। केंद्र के तीन कृषि कानून के विरोध में देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर किसान के समर्थन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार को बिल वापस लेना चाहिए, ये किसान हितैषी नहीं है, कॉर्पोरेट जगत को लाभ पहुंचाने वाला बिल है, बात रेट में दोगुना बढ़ने का है तो बाजार में कालाबाजारी बढ़ेगी, ये कानून एक दो बनाने के लिए रास्ता खोल रहे हैं, केंद्र सरकार कॉर्पोरेटिव जगत के लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र को बिल वापस लेना चाहिए। लेना चाहिए, बिल वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये तर्कसंगत नहीं है, किसान हितैषी नहीं है, ये कॉरपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने वाला बिल है, व्यवसाय को बढ़ाने वाला बिल है। किसान का हित, ना तो किसान का हित इसमें है और ना ही उपभोक्ता का हित इसमें है। अगर दाम को दोगुना तक बढ़ने के बाद तक सरकार कुछ नहीं करेगी तो कालाबाजारी बढ़ेगी। 100 रुपये की चीज़ जब तक 200 में नहीं जाएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। 100 से 110 हो गया, 115 हो गया, 120 हो गया, बात उठती है, सरकार बीच में आती है, हस्तक्षेप करती है, उसको नियंत्रित करती है। अब आपने कहा कि नहीं डबल, तो सीधे एक का दो बनाने के लिए आप रास्ता खोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव संघ ब्लॉक इकाई छुरा अपने प्रमुख एक सूत्रीय मांग को लेकर के एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं रैली कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।
छोरा ब्लॉक के पंचवा सचिव संघ ने धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को लेकर के हल्ला बोलते हुए आवाज बुलंद करी है। इस धरना प्रदर्शन में ब्लॉक के सभी ब्लॉक के पंचायत सचिव पहुंचे थे। धरना स्थल पर सचिवों ने अपनी मांग को लेकर के जमकर नारेबाजी की। पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं इसका लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारी भागीदारी होती है। कहा कि 29 विभागों के विभिन्न कार्यों को हमारे द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की सेवाओं को जमीन स्तर पर पहुंचवाने का कार्य किए जाते हैं। इसके बावजूद वर्षों से पंचायत सचिव शासकीयकरण से वांछित हमारी ये मांग वर्षों पुरानी है। वहीं अपनी प्रमुख एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण किए जाने का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जनपद सीईओ और छुरा तहसीलदार को सौंपा गया है। कल हमारे समस्त 28 जिला अध्यक्ष एवं प्रांत की जो कार्यकारिणी बॉडी है उनको हमारे पंचायत मंत्री आदरणीय श्री सिंहदेव जी ने अपने निवास में बुलाया था, जिसमें चर्चाएं तो हुई हैं लेकिन उनके द्वारा सिर्फ एक ही जवाब दिया जा रहा है, गोल जो भी गोलमोल है कि हमारे इस संबंध में मैं अपना अनुशंसा जारी कर दूंगा। रैली ये ज्ञापन सौंपना था आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल के नाम से, जिसमें हमारी एक सूत्री मांग जो है 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात समस्त पंचायत सचिवों का शासकीयकरण, यह मुख्य मांग है जो 25 वर्षों से लंबित है। बिलाईगढ़ के ग्राम में मिर्चवंत के एक ही व्यक्ति से परेशान होकर गांव वालों ने थाने पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने की शिकायत करी। जहां के सैकड़ों ग्रामीण गांव के एक शासकीय संतोष चौहान से परेशान होकर पंच सरपंच कोटवार सहित ग्रामीण बिलाईगढ़ थाने पहुंचे और शिकायत करी गई। ग्रामीणों के बताए अनुसार आए दिन संतोष चौहान पूरे ग्रामीणों को झूठे केस में फंसाने व मारपीट करने की धमकी देता रहता है, जिससे सभी ग्रामीण डरे हुए हैं। फिलहाल शिकायत के बाद मामले में आरोपी को थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। हालांकि ग्रामीणों को कार्रवाई करने की समझाइश दे करके घर वापस भेज दिया गया है। क्या था पूरा मामला सर? उसके खिलाफ में जमीन के संबंध में विवाद है नौका गांव में और डराए धमकाल ने क्या आशय शिकायत किए हैं, जिस पर संतोष के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोरबा जनपद पंचायत पाली क्षेत्र के सभी सचिवों ने जनपद कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सचिवों की प्रमुख मांग है कि सरकार हमारे 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हमारी परीक्षा लेने के उपरांत स्थायी व सरकारी करे। और सचिवों ने यह भी कहा है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तब हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। एक ही मांग है, 2 वर्ष की परीक्षा अवधि को खत्म करते हुए हमें शासकीयकरण किया जाए। और प्रशासन नहीं करती है तो अगर प्रशासन ये मांगे हमारी पूरी नहीं करती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम अड़े रहेंगे। खबर बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत तौली झीक से है, जहां पर स्कूल को जोड़ने वाले रोड के नजदीक से 174 मीटर तक सीसी रोड निर्माण किया जाना है जो मुख्य मार्ग तक जुड़े, लेकिन बन रही सीसी रोड मुख्य मार्ग तक नहीं जुड़ पा रही और लगभग 50 मीटर छूट रही है जो कीचड़ और गड्ढे से भरे मार्ग है। हम लोग सीसी रोड को ना यहाँ से बनाना चाहते हैं, हम लोग उधर से नहीं लाना चाहते। जहाँ छत्तो नायक जो घर है ना वो पंचपति है वहाँ से नहीं लाना चाहते हैं। हम लोग सीसी रोड पे यहाँ से बनाना चाहते हैं, 174 मीटर आया है उसमें यहाँ चालू कराना चाहते हैं, बस यही मांग है। सरपंच नहीं तो नहीं आया है लेकिन एक पंच आया है, पंच के कहने पर गिट्टी को वहाँ पर गिरा दिया गया। अच्छा, नहीं कहना तो जायज है उन लोगों का जो शुरू से स्कूल से लेकर उसका छत्तों घर तक का होना है, क्योंकि पहला सीढ़ी यानी कि सही रहेगा तब फिर आगे जा पाएंगे। अब पहली है इधर खराब रहेंगे और बाद में गड्ढा रहेगा, फिर आगे तो कोई भी गाड़ी नहीं बढ़ेगा। अब सरपंच का कहना क्या है मेरे को मालूम नहीं है सर, लेकिन प्रस्ताव में हमारे ये जैसे कि यहाँ से लेकर छत्तो घर तक का हुआ है और ग्रामीण का भी कहना है ना, पूरा गांव का कहना है कि इधर से यानी कि जाना चाहिए। गरियाबंद जिला पंचायत सीईओ ने कार्य में लापरवाही को लेकर ग्राम पंचायत पाटसिवनी के पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। आपको बताते चले जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शंकरकांत वर्मा ने जनपद पंचायत छुरा अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा करके गौठान एवं अन्य कामों का जायजा लिया। उनके द्वारा ग्राम पंचायत पाटसिवनी मुंडा गांव एवं देवरी में गौठानों का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट से गोबर बाहर बिखरा हुआ था। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छुरा रुचि शर्मा ने बताया कि कार्य में प्रगति लाए जाने के संबंध में ग्राम पंचायत पाटसिवनी के सचिव घनश्याम यदु को पूर्व में 5 बार पत्र लिखकर निर्देशित किया गया। साथ ही साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। ग्राम पंचायत सचिव के उक्त लापरवाही के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत चंद्रकांत वर्मा द्वारा सचिव को निलंबित करके जनपद पंचायत छुरा में संलग्न करके कर दिया गया है। सचिव ठीक से काम नहीं करता है सर, और कुछ भी जानकारी मांगो तो पूरा पूरा जानकारी नहीं देता है, घुमा फिरा के जवाब देता है, कुछ भी पूछो नहीं। सचिव के संबंध में बोले हैं कि सचिव को निलंबित कर देंगे करके बोले हैं शाम तक से। इसका काम अभी सचिव देख रहे हैं। हम लोग शिकायत किए थे, मतलब गांव वाले लोग शिकायत किए थे सचिव को सचिव के स्थानांतरण के लिए, तो गांव वाले लोग बोले हैं कि जब तक सचिव नहीं हटेगा तब तक सरपंच को यहां काम नहीं करना है। बस्तर जिले में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललिता मिश्रा ने NMDC नगर नार के निजीकरण और स्थानीय भर्ती व ना करने पर प्लांट के अधिकारियों की ओर से केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले लिया। अध्यक्ष का कहना था कि यदि प्लांट का निजीकरण किया गया तो आगामी भविष्य में प्लांट शुरू नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले साथ ही साथ स्थानियों को अनुभव ना होने की सूरत में प्लांट जिन्हें काम नहीं दे रही है उन्हें पहले अनुभव प्रदान करके प्लांट उन्हें जल्द से जल्द कार्य दे, उनके ली गई भूमि का कर्ज चुकाए। अध्यक्ष ने कहा कि ये दोनों बातों को वो राष्ट्रीय मंच तक ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो इंटक के सभी साथियों की मदद ले जाएंगे। और केंद्र सरकार के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अडानी अंबानी टाटा इनकी गोद में जा कर के बैठ गया है, इस कारण से ये अब उनकी ओर से संभव नहीं है निजीकरण के लिए, वो उतावले हो रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम जन बल को अपना ब्रह्मास्त्र बनाएंगे और जन बल के माध्यम से इस प्लांट को अगर निजीकरण होगा हम इस प्लांट को चालू होने ही नहीं देंगे, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर पर उतर कर हमको एक्शन लेना पड़े, चाहे हमारे आंदोलन के स्वरूप को क्रांतिकारी रूप देना पड़े। हम अपने परिवार को, यहाँ की जनता को, बस्तर वासियों के परिवार के भविष्य को तबाही से बचाने के लिए। मुंगेली में कई मांगों को लेकर के प्रदेश के पंचायत सचिव लामबंद हो गए। शासकीय निमतीकरण समेत कई मांगों को लेकर के जनपद के सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसी साहू ने बताया कि लंबे समय से शासकीय निमतीकरण जो कि विभिन्न मांगों में प्रमुख है, मांग प्रदेश सरकार से की जा रही है जिस पर कोई संज्ञान व वार्तालाप न होते थे, एक मजबूरन कलम बंद काम बंद का निर्णय लिया गया जिसकी चेतावनी सूचनार्थ ज्ञापन के माध्यम से मुंगेली सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में दी जा रही है। वहीं मुंगेली सचिव संघ के जिलाध्यक्ष योगेश साहू ने बताया कि बीते कई वर्षों से आंदोलन प्रदर्शन सांकेतिक हड़ताल के द्वारा प्रदेश सरकार को संज्ञान दिलाते हुए किया जा रहा है। वहीं अब 26 दिसंबर तक शासकीय निमतीकरण सहित अन्य जायज मांगे पूरी नहीं हुई तो पूर्ण रूप से कलम बंद काम बंद हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। जी हम लोग पंचायत सचिव संघ 1995 से 37 विभागों का काम अपने निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारे साथ दुआभेदी कर रही है, हमारा नियमितीकरण अभी तक नहीं किए हैं, हमारा नियमितीकरण कर दे नहीं तो हम लोग 26 तारीख से हड़ताल पर बैठ रहे हैं, काम बंद कलम बंद हड़ताल करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। पंचायत सचिवों के द्वारा एक प्रदेश स्तरीय इनका कुछ मांग है सचिवों का, हमारे यहाँ 126 ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ कार्यरत सचिवों के द्वारा आज हमें एक सूचना दी गई है कि वो दिनांक 26/12/2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, जो उनसे हमको लिखित सूचना मिली है उसको हम आगे शासन की ओर भेजने के लिए आज ही अपन फॉरवर्ड करेंगे।
खबर रायपुर से, जहां पर 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अपील करी है कि उनके व्यक्तित्व कृतित्व को स्मरण करने के लिए व पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सुबह 11 बजे से आजाद चौक पर जुट जाएं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भाजपा विधायक मंडल प्रदेश के किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर सत्याग्रह करेंगे। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धरमलाल कौशिक जी, आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल, दिनांक 25 दिसंबर को स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। कल प्रातः 11 बजे आजाद चौक पर यह कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धरमलाल कौशिक जी, आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय अजय चंद्राकर जी सहित प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेश मूणत जी एवं सभी वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। सभी जिलों में लगातार पटवारी संघ की हड़ताल चल रही है। ऐसे में बस्तर जिले के पटवारी भाई अपने साथियों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी 9 सूत्रीय मांग 2017 के अनुसार बढ़ाए गए वेतन मान के साथ नक्सल भत्ता की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक ये हड़ताल बंद नहीं होगी। पटवारी संघ आगामी समय में और भी कड़े कदम उठा सकती है। हमारी जो जायज मांगे हैं 9 सूत्री, उसको लेके हम लोग अनिश्चित अकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल को जारी रखेंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो गई थी, लेकिन किसानों को अपने उपजाए धान को समर्थन मूल्य पर बेचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बलरामपुर जिले के भवरमाल धान खरीदी केंद्र का है, जहां पर धान खरीदी के 23 दिन बीत जाने के बाद भी 9 गांवों के किसान अपना धान बेचने से वांछित चल रहे हैं, और अब ये किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। वहीं जिला प्रशासन किसानों को हो रही समस्याओं का कारण सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी को बताकर उसे जल्द से जल्द ठीक कराने का हवाला दे रहा है। मालिक, ये जो है हम उधार कितना लिए हैं दुकान में महाजन से, खाद लिए, बीज लिए, और अगर धान नहीं बेचाएगा तो उनको कहाँ से पैसा दे पाएंगे, ये तो मेरा परेशानी है। नहीं बिका तो मैं क्या करूँगा, अब तो मेरा पूंजी जो है से घाटा लग रहा है। अनुपार्जन केंद्र में कुल मिला के 15 गांव हैं, जिसमें सरोवर में 6 ही गांव दिखा रहे हैं, 9 गांव नहीं दिखा रहे। इस संबंध में 21 तारीख को कलेक्टर महोदय के द्वारा संचालक खाद्य को पत्र लिखा गया था। अभी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि खाद्य विभाग के द्वारा उसको बैंक को भेजा गया है, और कल वो NIC को भेजेगा, स्टेट के NIC को, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में 6 गांव ही दिखा पा रहा था, जो कि पहले 3 दिन खरीदी किया हूँ मैं भोरमाल के नाम से ही, तो कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो जाने के कारण मैं 6 गांव का ही खरीदी कर पा रहा हूँ। राजनांदगांव शहर के नंदई चौक स्थित धीरज गांधी किराना दुकान से खाद्य विभाग की टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई की जाती है। इस दौरान किराना दुकान से अफसरों को राशन दुकान की करीब 40 कट्टा चावल जब्त किया है। अफसरों द्वारा दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने से हड़ताल हड़कंप की स्थिति निर्मित हो जाती है। दुकान संचालक की शिकायत SDM मुकेश रावटे से की गई। लगातार मिल रही शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम द्वारा नंदई चौक स्थित धीरज गांधी किराना दुकान में छापेमार कार्रवाई की जाती है। पड़ताल में इस बात की पुष्टि होती है, किराना दुकान में राशन दुकान का चावल खरीदा जा रहा था। शिकायत मिली है FDM साहब को कि ये नंदई चौक की ये जो दुकान है, यहाँ पर PDS के जो चावल है विक्रय हो रहा है,
इस संबंध में खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक और नायब तहसीलदार राजनांदगांव के साथ दुकान आकर जांच की जा रही है। दुकान के जो चावल जो खरीदा है उससे पूछताछ कर रहे हैं और जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के जो प्रावधान है उसके तहत इस पर कार्रवाई करेंगे। जांच करके प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी कलेक्टर और FDM को प्रस्तुत करेंगे। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में नगर सेनानी में रानी सागर में तैराकी का शो प्रदर्शित किया गया। जिले के रानी सागर में नगर सेनानियों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल रहे। वहीं प्रशिक्षण प्रभारी ने किसी भी प्रकार की आपदा से अपने आप को कैसे सेफ रखें वो भी लोगों को बताया, इसकी जानकारी दी गई है। वहीं मौके पर जिले के अपर कलेक्टर राहुल रजक सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। जो जिला नगर सेना कार्यालय और जिला सेनानी के नेतृत्व में चल रहा है और बचाव राष्ट्रीय आपदा या किसी भी इस प्रकार का जो डूबने से मौत संबंधी जो आपदा है उसमें ये बहुत ही कारगर है। ये एक ड्रिलिंग है जिसके तहत जो है कोई भी व्यक्ति अगर डूब रहा है पानी में तो उसको कैसे बचाया जाए और इसके लिए जो बचाव दल हैं उसको किस प्रकार प्रशिक्षण देना चाहिए वो सब भी सिखाया जा रहा है। देखिए, जो केंद्र स्तर पर NDRF की टीम कार्य करती है जिसको कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स बोला जाता है, उसी प्रकार अब हर स्टेट में एक जो राज्य का जो आपदा मोचन बल है जिसे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स या बोला जाता है वो कार्य करता है, और उसी प्रकार से हर जिले में एक जिला लेवल का डिजास्टर टीम है जिसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स बोला जाता है। उसके जो हेड होते हैं वो माननीय DM साहब होते हैं और मैं एज ए जिला सेनानी उसका मॉनिटरिंग अधिकारी होता हूँ। जैसे जैसे धान खरीदी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाएं भी हो रही हैं। ताजा मामला कांकेर जिले के नहरपुर ब्लॉक का है जहां पर धान खरीदी केंद्र में सरकारी इंतजाम की कमी के चलते किसानों को अपनी उपज बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान खरीदी केंद्रों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है जो जिसका खामियाजा सिर्फ अन्नदाता को उठाना पड़ रहा है। और सीधे आपको ले चलते हैं पंजाब जहां पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, आपको हम पंजाब की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसान और पुलिस आपस में भिड़ गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ पुलिस एक तरफ अन्नदाता हैं और बीच में इनकी झड़प हो रही है। लाइव तस्वीरें पंजाब से दिखा रहे हैं आपको। पंजाब की तस्वीरें देखिए आप जहां पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको KNews इंडिया में हम दिखा रहे हैं, किसानों और पुलिस के बीच झड़प, पंजाब से लाइव तस्वीरें। और आपको बता दे चले यहाँ किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। लगातार किसान बिल का विरोध करते जा रहे हैं, कई दिनों से लगातार आंदोलन हो रहा है। प्रोटेस्टरों का आप वहाँ बैठो तो वहीं बैठो, हमने कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं, हमारा यहाँ की सरकार के खिलाफ हमारा कोई वास्ता नहीं, हमको दिल्ली जाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि किसानों को अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है और किसी को भी रास्ता ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसान हो चाहे वो सरकार हो। अब सरकार हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अनलॉफुल भी है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है जिसका मैं समझता हूँ कि पुलिस को किसी भी सूरत में इसका हमारा रोकना नहीं चाहिए। हम ये आपसे आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं हमें जाने। कहाँ का के लिए रवाना है और पुलिस प्रशासन ने भी काफी रोका और करते हैं कि ये जो भी तकरार की स्थिति आई थी तो
किसानों में जोश बहुत है, अपनी मंजिल तक जा रहे हैं, रुक नहीं रहते। हमने भी इनको कहा, समझाया, लेकिन नहीं, जोश इतना था कि अब इन्होंने अपने शहर से जहाँ से भी बेनती करने के बाद अपना कुछ बैरिकेडिंग को किनारे लगा के अपना इन्होंने रास्ता बनाया है, और ये जा रहे हैं अपने काम के लिए, अपने हकों के लिए जा रहे हैं। प्रशासन को इनको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, सरकार को भी इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। हम किसानों के समर्थन करते हैं काम का, ठीक है, लेकिन जितने भी प्रोटेस्ट हो, शांति के साथ, प्यार के साथ, मेल मिलाव के साथ, धरना अपना, ये जितना भी जो आंदोलन चल रहा है, सभी प्यार से करें, किसी का नुकसान नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपको बता दें, पंजाब के किसान दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए जा रहे थे, दिल्ली कूच करने जा रहे थे ये पंजाब के किसान, जिनको पुलिस ने रोका, जो बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे उनको किसानों ने तोड़ दिया है। लाइव तस्वीरें आपको हम पंजाब से दिखा रहे हैं, जहां पर किसान और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली है। दिल्ली कूच के लिए ये किसान रवाना हो रहे थे और उनको बीच में ही रोक दिया जाता है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से ट्रैक्टर से बैरिकेटिंग को ट्रैक्टर से तोड़ा जा रहा है, ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ अन्नदाता है, दिल्ली कूच के लिए निकल रहे थे अन्नदाता, जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनका समर्थन देने के लिए निकल रहे थे हजारों किसान, और उनको बीच में जब रोका जाता है तो उनकी पुलिस से नोकझोंक देखने को मिलती है। जो बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे उनको ट्रैक्टर से तोड़ दिया जाता है। बठिंडा से ये तस्वीरें आपको लाइव हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर किसानों और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। कई किसान ट्रैक्टर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे और जहां पर बैरिकेटिंग्स मिल रही है, ट्रैक्टर से ही वो उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें ये देखने को मिल रही हैं। ऐसा है कि इसमें हमने बहुत प्रयास किया है रोकने के लिए, लेकिन जो कि जो तरह वाले थे जो लोग, उन्होंने जो है ज़रा रेस्ट तरीके से ला करके, और वो हमारा जो यहाँ पर जो एक चैन बना था उसको डिस्टर्ब किया, तो वहाँ से निकल गए वो, और उसमें इसको और कैसे देखें सर, क्या उन पर कार्रवाई वगैरह भी होगी? देखते हैं, कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे। तस्वीरें बठिंडा से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर किसान और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। जो बैरिकेटिंग्स लगाए गए थे उनको ट्रैक्टर की द्वारा तोड़ दिया जाता है। ये सभी किसान दिल्ली कूच के लिए रवाना हो रहे थे और रास्ते में ही इनको रोक दिया जाता है। तो आपने देखी तस्वीरें किस तरीके से प्रशासन और पुलिस और किसानों के बीच झड़प देखने को मिली। जो बैरिकेटिंग्स थे उनको ट्रैक्टर के माध्यम से तोड़ दिया गया है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।